Hello everyone, this is Vipin here. I am again came back with one new video on our channel Education Hike, and in this particular video I am going to explain the second part of class 8th history chapter number 2 from TET to TET. देखिए ये जो particular video है ये from TET to TET जो class 8th का history है उसी का second part है. तो आइए हम इस particular video में कुछ टॉपिक्स को कवर करते हैं. ठीक है, जैसे कि आप सभी ने देखा फर्स्ट पार्ट में हमने स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स को कवर किया, मैंने कुछ पॉइंट्स भी आपको बताए थे. उसके बाद अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में उसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, अब देखिए इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो है हाउ टेट लेड टू बैटल्स. ठीक, हमने लास्ट टॉपिक में क्या देखा, हमने लास्ट टॉपिक में ये देखा कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बहुत सारे क्या मिल जाते हैं, प्रिविलेजेस राइट्स मिल जाते हैं मुगल इंपीरियर से. और उसके बाद फिर वो जगह जगह पे वो लोग क्या कहते हैं अपने फैक्ट्री वगैरह स्टैब्लिश किए ही थे, वो लोग फोर्टिफिकेशन वगैरह स्टार्ट कर देते हैं और फ्री ट्रेड ड्यूटी उनको मिल जाती है वो लोग विदाउट रेवेन्यू हर जगह पर, विदाउट रेवेन्यू बंगाल में वो लोग क्या स्टार्ट कर देते हैं, विदाउट रेवेन्यू वो लोग बंगाल में अपना ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं. और वो बात क्या कहते हैं बंगाल के नवाब को बहुत ज्यादा बुरी लगती है. ठीक, तो अब उसी के आगे की स्टोरी है आपके पार्ट सेकंड में, हम लोग यहां से आगे की स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होता है. ठीक, जब 1707 में मुगल लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर औरंगजेब मर जाता है तो उसके बाद पूरी तरीके से जो मुगल एम्पायर थी वो डिक्लाइन कर जाती है. ठीक, वो लोग डिसेंट्रलाइज हो जाते हैं, टुकड़ों में बट जाते हैं और उनके इसी टुकड़ों में बटने का फायदा उठाते हैं आपके कौन, ब्रिटिशर्स. ठीक, तो ब्रिटिशर्स ने आपकी अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी बहुत सारे अलग अलग जगहों पर, बंगाल भी उन्हीं जगहों में से एक था. तो बंगाल में उनको क्या कहते हैं फ्री ट्रेड ड्यूटी पास मिल जाता है आपके मुगल इंपीरियर से 1717 में. ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है 1717 में. जॉन हैमिल्टन और क्या कहते हैं सॉरी सर जॉन मैन और जॉर्ज हैमिल्टन को, सर जॉन मैन और जॉर्ज हैमिल्टन को आपके फरुख सियार एक लेटर मुगल था. ठीक है, लेटर मुगल फरुख सियार था, उसने क्या कहते हैं 1717 में इन दो ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्सन्स को क्या कहते हैं एक फरमान दे दिया था. और उस फरमान उसने ये कह दिया था कि आप लोगों को मैं पूरा राइट देता हूं कि आप लोग फ्री ड्यूटी पास करिए, बिना किसी रेवेन्यू, बिना कोई रेवेन्यू दिए आप लोग क्या कहते हैं बंगाल में जाकर ट्रेड करिए. और यही बात बंगाल के नवाब को बहुत बुरी लगती है. तो उसी के आगे की कहानी है. अब आप लोग जरा यहाँ पे ये समझिए कि जब आपके ब्रिटिशर्स को ये राइट मिल जाता है कि बिना रेवेन्यू के वो लोग जाके बंगाल में ट्रेड करें, तो वो लोग जब बिना रेवेन्यू के वहां पर ट्रेड करेंगे तो वो बंगाल के नवाब को वो लोग कोई अहमियत देंगे, कोई इंपॉर्टेंस देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे. क्योंकि जो उनके ऊपर है यानी कि मुगल पावर, उसने जब उनको ये पावर दे दी है कि आप बिना किसी रेवेन्यू के जाके बंगाल में ट्रेड करिए, तो वो रेवेन्यू तो अब देने वाले नहीं है. तो इसी बात को लेकर क्या कहते हैं बंगाल के नवाब के बीच में और आपके ब्रिटिशर्स के बीच में कुछ क्या कहते हैं फ्रिक्शन सा क्रिएट होता है. तो उसी फ्रिक्शन से रिलेटेड ये आपका पर्टिकुलर टॉपिक है, हम लोग आइए इस पे फोकस करते हैं. ओके, आगे हाउ ट्रेड लेड्स टू बैटल. देखिए ट्रेड कैसे बैटल में कन्वर्ट हो जाता है वही जानेंगे. ठीक, आइए. तो द अर्ली 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड. बंगाल के नवाब के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या कहते हैं जो कन्फ्लिक्ट था वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड हो जाता है, बहुत ज्यादा जोर पकड़ लेता है, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं संगीन हो जाता है. ठीक, इसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द नवाब द बंगाल नवाब एक्सर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी एज अदर रीजनल पावर्स वेयर डूइंग दैट टाइम. मैंने बताया था ना कि आपको क्या कहते हैं औरंगजेब के मरने के बाद 1707 के बाद जितने भी अलग आपके रीजनल स्टेट्स थे सभी रीजनल स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं. ठीक, और इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं मतलब कि वो लोग छोटे छोटे जो भी एरियाज उनके अंडर में थे उस एरियाज को लेकर वो एक अलग ही स्टेट, अपना एक अलग ही एम्पायर क्रिएट कर लेते हैं. ओके, इसी प्रकार बंगाल भी क्या कहते हैं बंगाल के जो उस समय नवाब थे मुर्शिद कुली खान जी वो भी क्या कहते हैं अलग हो जाते हैं और बंगाल को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं. ठीक, आगे देखते हैं. मुर्शिद कुली खान वाज फॉलोड बाय अली वर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल. देखिए बंगाल क्या कहते हैं बोला जाता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ बंगाल, तो मुर्शिद कुली खान आप लोग कह सकते हैं कि 1707 में जब औरंगजेब मरे थे तो उस समय आपके बंगाल के नवाब थे मुर्शिद कुली खान. ठीक, तो मुर्शिद कुली खान कुछ समय तक बंगाल के नवाब रहते हैं, उसके बाद अली वर्दी खान बनते हैं और 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी होता है उस टाइम पे बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला. ठीक, तो आइए हम लोग कवर करते हैं. Each one of them was a strong ruler. सभी के सभी बहुत ही महान और बहुत ही strong rulers थे. They refused to grant the company concession, demanded last tribute for the company rights to trade, denied it any type of mint coin and stop it from extending its fortification. देखिए बहुत ही important topic है, बहुत ही important line है. क्या कहते हैं जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला वो
कंपनी को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी प्रकार का कोई भी कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं थे और उनसे बहुत ज्यादा ट्रेड की मांग भी कर रहे थे। कौन मांग कर रहा था ट्रेड, कौन मांग कर रहा था सारी रेवेन्यू की? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से रेवेन्यू की मांग कर रहे थे, उनको किसी प्रकार का कोई कंसेशन नहीं दे रहे थे और ये भी कह रहे थे कि जो आप कंपनी क्वाइन वगैरह मिंट कर रही है उसको बंद करो और फोर्टिफिकेशन किलाबंदी भी आप करना बंद करिए। अब आगे क्या होता है? Accusing the company to deceive, they claim that company was depriving the Bengal government to huge amount of revenue and under mining the authority of the Nawab। लेकिन जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला जब कंपनी को इतनी सारी चीजें कहता है तो कंपनी क्या करती है? कंपनी पूरी तरीके से बंगाल के नवाब की बात मानने से मना कर देती है, मतलब कि उसकी अथॉरिटी को अंडर एस्टिमेट करती है। आगे, इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स, राइटिंग डिसरिस्पेक्ट लेटर एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं? पूरी तरीके से टैक्स पे करने से मना कर दिया कंपनी ने, कहा कि हम नवाब के बंगाल को कोई टैक्स नहीं पे करेंगे, क्योंकि 1717 में हमको फर्रुख सियार ने ये कह दिया था, ये फरमान दे दिया था कि आप लोग जाइए और बंगाल में बिना किसी रेवेन्यू के ट्रेड करिए। जब आपके फर्रुख सियार जी ने ये कह ही दिया था तो क्यों आपकी कंपनी बंगाल के नवाब को रेवेन्यू पे करे? और यही बात आपके बंगाल के नवाब को बुरी लग रही थी कि ये लोग यहाँ पे फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, किलाबंदी कर रहे हैं, खुद के सिक्के बना रहे हैं और पूरा व्यापार अपना फैला रहे हैं लेकिन कोई रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं। तो इसी बात को लेकर क्या कहते हैं, बंगाल के नवाब के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक क्या कहते हैं फ्रिक्शन सा क्रिएट हो गया था, एक कंफ्लिक्ट के चांसेस, एक कंफ्लिक्ट के चांसेस क्रिएट हुए थे। ओके, अब आगे चलते हैं। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल वर रेनिंग द ट्रेंड ऑफ द कंपनी। कंपनी का यह मानना था कि अगर हम क्या कहते हैं इस तरीके का, अगर कोई भी लोकल अथॉरिटी हमसे इस तरीके का डिमांड करेगी और हम उस डिमांड को पे करने लगेंगे तो हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो ट्रेड है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक, तो आगे देखते हैं। And trade could flourish only if the duty were removed. और कंपनी ये कह रही थी कि हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो व्यापार है, वो तभी आगे बढ़ेगा, वो तभी एकदम बेहतरीन सा हो जाएगा जब हम किसी प्रकार कोई टैक्स ना पे करें। ठीक, लेकिन क्या नवाब का बंगाल इस चीज पे मानने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। नवाब के बंगाल ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कह दिया था कि आप लोग यहाँ पे व्यापार करिए, उसके बदले में आप लोग हमको रेवेन्यू पे करिए, आप किसी प्रकार का कोई क्वाइन मिंट नहीं करेंगे, आप फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इन सभी बातों को नहीं मानती है, बंगाल की अथॉरिटी, बंगाल के जो नवाब हैं उनकी अथॉरिटी को पूरी तरीके से डिसरिस्पेक्ट करती है, डिसरिस्पेक्ट करती है। और उसके बाद ये भी कहती है आपकी कंपनी कि क्या कहते हैं, अगर हम आपको, आपके जैसे लोकल ऑफिशियल्स को ट्रेड के लिए रेवेन्यू पे करेंगे तो हमारा व्यापार पूरी तरीके से बढ़ नहीं पाएगा। ठीक, इसीलिए उन्होंने क्या कहते हैं बंगाल के नवाब को टैक्सेस पे करने से मना कर दिया। आगे, It was also convinced that to expand trade, it has to large its settlement buys up villages and rebuild its fort. The conflict led to confrontation and finally culminated in the famous Battle of Plassey. और यही जो दो, यही जो टेंशन था ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और बंगाल के नवाब के डिमांड्स के बीच में, इन दोनों पर्टिकुलर पावर्स के बीच में जो ये कन्फ्लिक्ट था, जो ये फ्रिक्शन था, वही फ्रिक्शन आपके कन्वर्ट हो जाता है द फेमस बैटल विच इज नोन एज द बैटल ऑफ प्लासी। तो आइए हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ बगल में लिखा पपेट, पपेट का मतलब क्या होता है, हाथ की कठपुतली। पपेट का मीन्स होता है कठपुतली, हाथों की जो कठपुतलियां होती हैं जिसको हम अपने हिसाब से कहीं भी नचा सकते हैं, घुमा सकते हैं, उसी को पपेट कहते हैं। ओके, आगे द बैटल ऑफ प्लासी के बारे में जानते हैं। व्हेन अली वर्दी खान डाइड इन 1756 में अली वर्दी खान की मौत हो जाती है 1756 के बाद, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। उस टाइम आपके बंगाल के जो नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला। ठीक, तो फोकस करते हैं। व्हेन अली वर्दी खान डाइड इन 1756, सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड नी ऑन अ पीपेट रूलर हु वुड विलिंग गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेजेस। कंपनी जब अली वर्दी खान 1756 में मर जाते हैं तो जब सिराजुद्दौला बंगाल के नए क्या कहते हैं नवाब बनते हैं तो कंपनी को इस बात की चिंता होती है कि कोई ना कोई ऐसा नवाब बंगाल में आए जो हमारी कठपुतली हो। ठीक है, हमारे हाथों की कठपुतली हो और वो हमको बहुत सारे कंसेशन प्रोवाइड करे और हमें बहुत सारे प्रिविलेजेस दे ताकि हम अच्छे से ट्रेड कर सकें। ठीक, तो आगे क्या होता है। So it tried though without success to help one Sirajuddaula rival become the Nawab and infuriated Sirajuddaula asked the company to stop meddling in the political affair of his domination, stop fortification and pay the revenue. देखिए infuriated का मतलब होता है गुस्सायल, क्रोधित। तो नवाब बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। नवाब क्रोधित होने के बाद ये कहते हैं कंपनी से कि क्या कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं
किसी भी पर्टिकुलर क्या कहते हैं नवाब के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करिए, यानी कि हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में आप इंटरफेयर करने की कोशिश मत करिए, आप किलाबंदी बंद करिए और चुपचाप से रेवेन्यू पे करिए। ये बंगाल का नवाब उनसे कहता है, कौन, सिराजुद्दौला कहता है कंपनी से। आगे, आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड द नवाब मार्क्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार, कैप्चर द कंपनी ऑफिशियल, लॉक द वेयर हाउस, डिस अलार्म ऑल इंग्लिश मैन एंड ब्लॉक एडेड इंग्लिश शिप, देन ही मार्च टू कलकत्ता टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी फोर्ट देयर। इसके बाद क्या कहते हैं, कंपनी उनकी बात मानने से मना कर देती है, जिसके बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जी 30,000 सैनिकों के साथ जाते हैं कासिम बाजार में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक फैक्ट्री थी उसको सील कर देते हैं, सीज कर देते हैं पूरी तरीके से। और इसके बाद आपके ब्रिटिशर्स को वहां से भागना पड़ता है, पूरी अपनी जो भी उनकी छोटी मोटी आर्मी उस समय थी वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी लेकर बंगाल से निकल जाते हैं, और एक छोटा सा क्या कहते हैं आइलैंड था फुलटा, वहां पर जाके वो लोग रुकते हैं। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरीके से भाग गए थे, वो लोग वहां पर जाके रुक जाते हैं। ओके, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ फॉल ऑफ कलकत्ता कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। जब क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए मैंने बताया था ऑल ओवर इंडिया थी, मुंबई में, उसके बाद मद्रास में, सूरत में, मछलीपट्टनम में, बंगाल में, बहुत सारी जगह पर उनका ट्रेड चल रहा था, उन्होंने अपना फोर्ट वगैरह ट्रेड क्या कहते हैं वेयर हाउसेस फैक्ट्रीज वगैरह एस्टैब्लिश की थी। तो जब मद्रास में क्या कहते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब उसको ये पता चलता है कि कलकत्ता से ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स को, उनके ऑफिसर्स को वहां से भगा दिया गया नवाब द्वारा, तो मद्रास में क्या कहते हैं जो कमांडर था रॉबर्ट क्लाइव, वो अपनी पूरी फोर्स लेकर कलकत्ता की ओर निकलता है। ओके, reinforced by Nawab Nevelfeard, prolonged negotiation with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company army against Sirajuddaulah at Plassey. One of the main reason for the defeat of Nawab was the forces led by Mir Zafar, one of Sirajuddaulah's commander, never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddaulah. The battle of Plassey became famous battle. It was the first major victory the company won in India. अब देखिए, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब ये पता चलता है रॉबर्ट क्लाइव को कि कलकत्ता से पूरी तरीके से नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स को, ऑफिसर्स को भगा दिया है, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से अपनी फोर्स लेकर निकलता है कलकत्ता की ओर, और कलकत्ता में उसकी मुलाकात सिराजुद्दौला से एक जगह है, प्लासी नाम की एक जगह वहां पर होती है, और फिर वहीं पे इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। लेकिन उससे पहले रॉबर्ट क्लाइव कुछ टैक्टिक्स का यूज करता है, ठीक है, कुछ टैक्टिक्स का यूज करता है। जैसे कि आपको बता दूं, जो मीर जाफर थे वो सिराजुद्दौला के कमांडर थे, उनके आर्मी के कमांडर थे, उनसे मिलता है, और भी कुछ रिच मर्चेंट से मिलता है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के क्या कहते हैं कमांडर इन चीफ, जो मिलिट्री का कमांडर था मीर जाफर, उससे मिलता है, और उसके बाद वहां के कुछ रिच मर्चेंट्स थे, ठीक है, जैसे खादिम चंद थे, उसके बाद क्या कहते हैं मानिक चंद थे, ऐसे बहुत सारे पर्सन थे, उनसे मिलता है, और उन सबको क्या कहते हैं थोड़ा सा लालच देता है, लोभ देता है, और अपनी तरफ कर लेता है, ठीक। और उसके बाद क्या कहते हैं, वो जब सारे के सारे पर्सन सिराजुद्दौला का साथ छोड़ देते हैं, तो सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव से बैटल में हार जाता है, और ये पहली जीत थी आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये पहली मेजर विक्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया के नवाब्स पे, इंडिया के क्या कहते हैं जो रीजनल किंगडम्स के रूलर्स थे उन पर। इसके बाद क्या कहते हैं उसका जो मनोबल था, ठीक है, वो विल पावर कहते हैं, बहुत ऊंचा होता है आपके रॉबर्ट क्लाइव का, और उसके बाद एक के बाद एक करके वो धीरे 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 ऐसे ही पूरे के पूरे इंडिया को वो लोग क्या करते हैं सबजुगेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, ठीक है, आपको यहाँ पे ये समझ में आया कि सिराजुद्दौला ने बहुत सारे चीजों को मना किया कि आप फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, आप अपने कॉइंट्स में नहीं करेंगे, आप रेवेन्यू पे करेंगे, लेकिन इन बातों को मना कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स ने, उनके ऑफिसर्स ने, जिसको लेकर इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हुई, और जो ट्रेड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, बैटल में। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए बैटल ऑफ प्लासे कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था, 1757 में, किसके बीच में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, वो क्यों हारे थे, वो इसलिए हारे थे क्योंकि उनके जो कमांडर इन चीफ थे, उनके जो रिच मर्चेंट थे, उनके जो बैंकर्स थे, वो सब के सब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल चुके थे, ठीक। अब देखिए, मीर जाफर जो थे वो सिराजुद्दौला के कमांडर थे, मिलिट्री के कमांडर थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गए थे, लेकिन किस लालच पे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको बोला था कि अगर आप नवाब को हराने में, यानी कि सिराजुद्दौला को हराने में हमारी मदद करेंगे, तो हम आपको बंगाल का क्या बना देंगे, नवाब।
इसी को चलते हुए मीर जाफर ने सिराजुद्दौला की मदद नहीं की, ये उसकी एक बहुत बड़ी मुख्तार थी, उसने सिराजुद्दौला की मदद नहीं की, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में डिफीट किया और उसके बाद पूरे के पूरे बंगाल को उसने अपने अंडर में ले लिया और मीर जाफर को उसने बना दिया बंगाल का नया नवाब और मीर जाफर ब्रिटिशर्स का पपेट भी बन गया, पपेट मतलब उनकी कठपुतली, अब वो उनके हिसाब से चलेगा। तो ये था आपके पार्ट सेकंड इस पर्टिकुलर चैप्टर का, पार्ट थर्ड में हम फिर से आएंगे, फिर से मिलेंगे एक नए एक्साइटमेंट के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए आप लोग गुड बाय एंड टेक केयर।